रही हो? मैं तुम्हारी तरह छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तेज भागूं। ओके बेटी, बहुत हो गया खेलना, चलो घर चलते हैं। तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाया है, चलो घर चलते हैं। आओ चले। समझ में नहीं आ रहा है। वो इस तरफ ही आ रहा है। चलो जल्दी, यहां नहीं ठहरना। चलो चलो जल्दी चलो। बिस्मिल्लाह, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ, मगर यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, जल्दी चलिए। लेफ्ट की तरफ चलिए और तेज चलाइए। मैं किसी तरह पार करना हूँ। क्या हुआ, जल्दी चलाइए ना। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी टेरी, जल्दी आइए। तीन मंजिले चढ़ना होगा, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? वैसे ही मुझे जगह बहुत पसंद आई है डैडी। ये सूटकेस इतना भारी क्यों है, क्या भरा है इसमें? सॉरी, मैं अपनी बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ, एक हफ्ता जो ठहरना है इसलिए सारी बुक्स लेकर आई हूँ। अच्छा, क्या क्या लेकर आई हो? हर सब्जेक्ट की बुक्स लाई हूँ। तुम सब कुछ लेकर आई क्या? नहीं तो क्या, पोम्पाई जो देखने जा रहे हैं, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, उसके बारे में जियोलॉजिकल कंपोजिशन जो पढ़ना है और बहुत कुछ पढ़ना है। समझ गया, मुझे लगता है पूरी कहानी सुनाने वाली है। इस बार मुझे पॉकेट मनी ज्यादा चाहिए। ये पूरी तुम पर गई है। सुनो, तुम्हें घुमाने लेके आए हैं, ज्यादा बातें मत करो। हाँ, ऑसम, यहाँ तो टेरेस भी है। ओह ऑसम, यहाँ तो सीढ़ियाँ भी है। हाँ, ये सीढ़ियाँ तो बहुत खतरनाक हैं। अरे सुनो, इस घर में कितने बेडरूम्स हैं? शायद तुम्हें भी मालूम नहीं। जगह तो बहुत सुंदर है। चलो मैं ही देख लेता हूँ। हमने जैसा सोचा था उसी तरह प्लान के मुताबिक सभी हो रहा है। डैड, बोलो। सी हाय। हाय हाय मॉम। आप तो बेशक बिजनेस के ट्रिप में आए होंगे, लेकिन हम दोनों तो एंजॉय करने के लिए आए हैं। इटली में एक हफ्ता रहेंगे। हाँ, उसका बचपन से ये जगह देखने का ख्वाब था। आपको भी ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। हाँ, उसके बारे में सोचते ही। किसके बारे में सोच रहे हैं आप? बस कुछ नहीं। हेलो, मुझसे मत छुपाइए, बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा टेंशन है डियर। टेंशन किस लिए, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, बताइए ना क्या बात है। ये प्रोजेक्ट अगर हमारे हाथ में लग गया तो समझ लो कि जिंदगी संवर गई। उसमें कोई संदेह है क्या? आप अपनी एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी ओपन करने वाले हैं, इसी का तो आपको इतने दिनों से इंतजार था। देखते हैं। एक मिनट रुकिए, आप यहाँ 3 महीने रुकने वाले हैं,
उसके बाद तो आप भी घर लौट आएंगे। अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल गया तो पैसों की हमें कभी कमी नहीं होगी। मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा टेंशन फील कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है, आप तो कितने दिनों से इस प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे थे। ये तो आपका पसंदीदा प्रोजेक्ट है ना, कई दिनों से इसका आपको इंतजार था। भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। अच्छा? आप फिक्र मत कीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ। मिखेला, तुम तैयार हो? या, मैं आती हूँ डैड। लेडीज एंड जेंटलमैन, जाने का टाइम हो गया है। आप लोग जल्दी आएं, हमें निकलना है। टाइम हो रहा है, चलो बस में चढ़ो। हम थोड़ी देर और रह जाते, लेकिन आपको भी तो मीटिंग में जाना है। अच्छी बात है, चलो मम्मी जल्दी। अरे रुको, पॉम्पेई कहीं भागा नहीं जा रहा। ओके, शाम को मिलते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक्स डियर, आई लव यू। आई लव यू टू। सुनो बेटा, तुम कुछ बोल रही हो जो हमेशा करती हो। यस डैड, आई लव यू डैड। थैंक यू, सी यू लेटर। टेक केयर। हाँ जरूर। घबराइए मत, आप सब लोग ठीक तो हैं? कुछ नहीं होने वाला, वादा करता हूँ सब ठीक रहेगा। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, एक मिनट रुको, वो आते हैं। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम ना जाओ तो अच्छा है। वहाँ उतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ सिटी में घूमो और ऐश करो, होटल में रहो। क्यों मिकेला, तुम क्या कहती हो? अरे इतना क्यों सोच रहे हो, पॉम्पेई देखने का मौका दोबारा मिलेगा क्या? वो भी सही है, आप फिक्र मत कीजिए, इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है, तुम लोग पूरी तरह से अपना ख्याल रखना। ओके ओके बाय। अर्जुन, तुम अपने साथ साथ मम्मी का भी ख्याल रखना। बिल्कुल डैड। सुनो, तुमसे एक जरूरी बात कहना ही भूल गया मैं। देखो, अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपने साथ में रखो। वाओ, सैट फोन है क्या? हाँ, सैट फोन ही है, और इसमें जीपीएस ट्रैकिंग भी है। हाँ, हम कहीं गायब हो जाएंगे क्या? क्या जेफ, आप भी? मैं तुम लोगों की सुरक्षा चाहता हूँ, इसलिए दिया। डैडी, हम कहीं भी अकेले जाते हैं तो आप हमेशा डर जाते हैं, डिटेक्टिव की तरह हमें एडवाइस देते हैं। देखो, तुम्हारे सेलफोन की बैटरी खत्म हो सकती है, नेटवर्क नहीं मिल सकता है, और मुसीबत आ सकती है, इसलिए तुम दोनों की सुरक्षा के लिए। हम फोन लेके जा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। मम्मी जल्दी आइए, बस निकलने वाली है। और आप अपना ख्याल रखना। ओके माय डियर, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ओके, सी यू। क्या पॉल? देखो, हम लोग इटली आए, यहाँ कैपिचिनो कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। फिर मिले ना मिले, वो सुबह पी सकते थे ना आप। हे, क्या आप भी हमारे साथ इस अद्भुत ट्रिप में, इस खटारा बस में चढ़ने वाले हैं? आइए आइए, चढ़िए, वेलकम। कुछ भी बोलते हैं, सुबह कॉफी नहीं मिली ना, इसलिए शिकायत कर रहे हैं। ओके, हमें भी कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन बस का टाइम हो गया है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? हमेशा कुछ ना कुछ। मैं क्रिस्टी हूँ और ये पॉल। मेरा नाम लेन है और ये हमारी प्यारी बेटी मिकेल। वैसे हम लोग एक ही बोट में ट्रैवल कर रहे हैं, मेरा मतलब है बस में। हाँ, यहाँ से लेके उस बस तक। हाँ। ये लोग बहुत अजीब है। हाय, चलिए बस में जुड़िए। आइए आइए, अपनी सीटों में बैठ जाइए, वेलकम। चलिए चलिए, सब उतरिए, वेलकम। हम लोग पॉम्पेई पहुंच गए हैं। ओके, पॉम्पेई की यह हालत क्यों हुई है, ये तुम लोगों को पता ही होगा। सुना है, ज्वालामुखी के बारे में बहुत सुना है। देखो, वो ज्वालामुखी ही इन सब का कारण है। माउंट वेसुवियस सामने है। आप सब लोगों को एक खास बात बतानी है। कुछ सालों पहले यहाँ पे ज्वालामुखी फट गया था, तभी से ये शहर ऐसा हो गया है। आप में से क्या कोई ये बता सकता है कि किस वर्ष में यहाँ ज्वालामुखी फटा था? बताइए। 79-80। बिल्कुल ठीक बताया। इसके बारे में तुम कुछ और जानती हो तो हमें बताओ। ओके, वैसे ये पूरे संसार में भयानक ज्वालामुखी है। यहाँ पर करीब 3 मिलियन लोग रहते थे। ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, इसका अंदाजा कोई भी साइंटिस्ट अभी तक लगा नहीं पाया। यही यहाँ की विशेषता है। क्या बात है, तुमने बिल्कुल सही बताया।
कॉफी कॉफी ये ज्वालामुखी अब तक 50 से ज्यादा बार लेके आऊं जैसे उन्होंने कहा 79 और 80 में सबसे भयानक ज्वालामुखी फटा था। ज्वालामुखी फटने के कारण उसका लावा इस शहर में आ गिरा था और इससे ये शहर बर्बाद हो गया। उससे इस शहर ने काले अंधेरे का रूप ले लिया था। उस वक्त 2000 से ज्यादा लोग यहाँ मारे गए थे और पूरा शहर बर्बाद हो गया था। उस वक्त से लेकर आज तक यहाँ बसने के लिए कोई भी नहीं आया। उसके बाद 1748 में कुछ लोगों ने हिम्मत की और यहाँ बसने चले आए। तब उन लोगों ने इस शहर को एक अच्छा रूप दिया, इसलिए आज ये देखने लायक है। हाय हनी, कुछ झटके महसूस किए क्या? हाँ, एक दो झटके हुए। तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ। हमने देखा पूरा पहाड़ हिल रहा था और पत्थर भी नीचे गिरे। तुम और मिकेल ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। मिकेल भी ठीक ठाक है, आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं मीटिंग किसी और दिन रख लूंगा, तुम दोनों को पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। नो हनी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक है। बस थोड़ी सी डर गई थी इसीलिए मैंने आपको फोन किया। बस थोड़ी देर में हम यहाँ से बस में निकल पड़ेंगे और होटल पहुँच जाएंगे। तुम ठीक कर रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप अपने मीटिंग को बिल्कुल मिस मत कीजिए। एक मिनट, मिखेल आपसे बात करना चाहती है, हम शाम को मिलेंगे। आप बिल्कुल ठीक है ना सर? यहाँ पे कोई कॉफी डे कॉफी शॉप है क्या? I love you. Hi, Daddy. Hello, my dear. तुम ठीक तो हो ना? Yes, Daddy, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उदास क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? आज सुबह मैंने पढ़ा है कि बगल के गैलेक्सी में ज्वालामुखी फटा है। उसका प्रभाव यहाँ आसपास भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने पढ़ा है कि एक ज्वालामुखी जब फटता है तो उसका असर दूसरे ज्वालामुखी पर भी पड़ता है। वैसे तुम कहना क्या चाहती हो? तुम दोनों मुसीबत में हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे सब ठीक ही होगा। पर थोड़ा सा डर लग रहा है डैडी। नो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत से काम लो। अच्छा, मीटिंग खत्म होते मैं तुम्हें फोन करता हूँ, ओके? आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। आप अपनी मीटिंग पूरी तरह से कंटिन्यू कीजिए। गुड लक डैड। थैंक यू डियर, तुम लोग ठीक ठाक वापस आ जाओ तो अच्छा है। बाय डैड। बाय डियर, ख्याल रखना। अरे सुनो, स्मार्टफोन का इस्तेमाल। हेलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। मिस्टर पियर्स, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम विक्टर फैब्रिस है, यहाँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। प्लीज सर, मुझे जेफ बुलाएं तो अच्छा रहेगा। नो प्रॉब्लम, आइए जेफ, कॉन्फ्रेंस हॉल में सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। जॉनी? यस। हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं? हम जहाँ से आए थे वहीं से जाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो पोर्ट के रास्ते से जाएंगे। आपका मतलब नहीं है तो कि उसके बगल के रास्ते से जाएंगे? इस रास्ते से जा सकते हैं क्या? देखो। चलो फ्रेंड्स, निकलते हैं, आइए। मैडम, आपकी लड़की को बहुत नॉलेज है, वो बहुत इंटेलिजेंट भी है इन मामलों में। उसने ज्वालामुखी के बारे में बहुत रिसर्च किया है। तुम ठीक कह रहे हो, उसे बचपन से ही इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। निखिला, ज्वालामुखी के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? मैं जब छोटी थी तो डैडी बाहर बहुत जाया करते थे, वो मेरिन्स में काम करते थे। वो जिस शहर भी जाते थे मैं उनसे उस शहर की डिटेल्स ले लेती थी, वहाँ के कस्टम्स, सिर्फ उतना ही नहीं शहर के बारे में भी पता कर लेती थी। जहाँ जहाँ वो जाते थे मुझे ऐसा लगता था मैं उनके साथ ही हूँ।
इसी तरह से एक एक शहर के बारे में जानकारी लेते हुए मुझे पूरी दुनिया की जानकारी हो गई। मेरी उम्र की लड़कियां डॉल्स के साथ खेलती थी और मैं पत्थरों के साथ खेलती थी। इस शहर में तुम्हें पढ़ने के लिए और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तुम बहुत बड़ी जियोलॉजिस्ट बन सकती हो और सेटल हो सकती हो यहाँ। इटली मुझे बहुत पसंद है। ये तो मुझे भूकंप ही लग रहा है। मुझे भी यही लगता है। चलो जल्दी निकलते हैं। तुम लोगों को ये प्रोजेक्ट पूरी तरह 3 महीने में खत्म करके दे सकता हूँ। इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू। ओह माय गॉड, ज्वालामुखी फट गया है। जाइए जाइए, सब लोग अपने घर चले जाइए। आपके पास हेलीकॉप्टर है क्या? क्या कहा आपने? आपकी कंपनी में हेलीकॉप्टर है क्या? ये क्या कह रहे हैं चेफ? मुझे उसका इस्तेमाल करना है। मिस्टर रासल, मेरी वाइफ और बेटी दोनों पांपे में फंस गए हैं। आई एम सॉरी सर, हम हेलीकॉप्टर नहीं दे सकते। अगर आप वहां गए तो आप भी मुसीबत में फंस जाएंगे, मेरी बात मानिए। जेफ, हम क्यों मना कर रहे हैं इसके बारे में एक बार सोचिए। आप इस वक्त पांपे नहीं जा सकते। वहां देखा मकेला? मॉम, ये बहुत बुरा हुआ। हनी, सब ठीक है ना? कहाँ हो? जेफ, अभी तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन यहाँ ज्वालामुखी। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कोई सेफ्टी जगह देखकर वहाँ चले जाओ। मैं किसी भी तरह वहाँ पहुँच रहा हूँ, समझ गई? आप लोग ठीक तो हैं ना? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं पहुँच रहा हूँ। आई लव यू, लव यू जेफ। वैसे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जेफ, प्रिंस जेफ, डैम इट जेब, आप यहाँ मत आइए, मेरी बात मानिए। संभल के। भाई साहब, ज्वालामुखी फट चुका है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। मुझे किसी भी हालत में जाना होगा। मैं आपसे मना कर रहा हूँ ना कि वहाँ मत जाइए, आप क्यों जिद कर रहे हैं? मेरी वाइफ और बेटी पॉम्पे में फंस गए हैं, मुझे उनको लेके आना है। पॉम्पे? वहीं पर तो ज्वालामुखी फटा है, आप नहीं जा सकते वहाँ। प्लीज आप वापस चले जाइए वहाँ अपनी कार में। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मुझे किसी भी हालत में जाना होगा। आप जाते हैं कि नहीं? सर प्लीज टेंशन मत लीजिए, आप अपनी कार में चले जाइए, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। तुम लोगों से निपटना आता है मुझे।
वहीं पहुंच रहा हूं। हाय कार्लो, कितने दिनों के बाद किसी ने इस नाम से पुकारा है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने जो कहा तुमने वो किया। तुम्हारे फोन करते ही मैंने इटालियन गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजा है, उन्होंने उसको कबूल नहीं किया और वो कह रहे थे पोम्पेई इस वक्त कोई नहीं जा सकता, वहाँ परिस्थिति बहुत खराब है, आसपास के लोगों से भी खाली करवा रहे हैं। नो 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 नो, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, इससे पहले तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मैं भूल नहीं सकता, लेकिन आज ये इंटरनेशनल समस्या बन गई है। अगर मुझसे हो सकता तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उस वक्त की बात और है, तब मैं एक स्पेशल ऑफिसर था, लेकिन आज मैं एक कर्नल बन गया हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी स्पेशल पावर्स नहीं है। मेरी मदद करोगे या नहीं बोलो, कम ऑन कर लो, ये मुमकिन है, तुम कर सकते हो। तुमसे एक और खास बात करनी है। बॉम्बे के बारे में ना? अभी अभी हेड ऑफ साइंस डिपार्टमेंट से हमारे पास एक नोटिस आया है, पोम्पेई 4 घंटे के अंदर फट जाएगा और उससे लावा बाहर आ जाएगा। सॉरी। कम ऑन, आओ मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? बैठो। वैसे तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? ऐसे हालात में हम कुछ भी नहीं कर सकते, बालकानों को तो हम रोक नहीं सकते। सुरक्षित है क्या? यहाँ से तो बेहतर ही होगा। चलो इनकी हेल्प करते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी चलो चलो कम ऑन। संभल के आगे चलिए। पॉल, थैंक यू। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को संभालो। मम्मी, अब कैसा है? अब ठीक है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड। इटालियन गवर्नमेंट ने जो खबर भेजी है वैसा ही ये लोग कुछ बोलने वाले हैं। मुझे अपनी कोशिश करने दो। ओके, जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा ही उन्होंने भी कहा तो
परेशान मत होना, मैं यहाँ तुम्हारी राह देखता रहूंगा। ओके ओके, तुम क्या कह रहे हो? प्लान बी, अगर प्लान ए वर्कआउट नहीं हुआ तो प्लान बी के बारे में सोचेंगे। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? गुड लक माय डियर फ्रेंड। थैंक यू। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। जब मैं तुम्हें कभी कॉफी के लिए बुलाऊं तो तुम आ जाया करो डियर। आइंदा ऐसे नहीं करूंगी। रुकिए, मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ। थैंक यू। ये लीजिए, पानी लीजिए। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके। थैंक्स। मैं नवीन हूँ, वो रशीदा है। मेरा नाम लेन है। मैं मकेल हूँ। रिलैक्स पॉल, पानी पीजिए। थैंक यू। थैंक यू। सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी मैंने? मुझे भी ऐसे लग रहा है, शायद हमारे निकलने का मुहूर्त ठीक नहीं था और नवीन भी मुझसे यही कह रहा था। मैंने जो कहा वही हुआ ना। हाय, आप भी पानी लीजिए। धन्यवाद दोस्त, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगली बार मैं ऐसी खतरनाक जगह पे कभी नहीं आऊंगा। पहले इस खतरनाक जगह से बाहर जाएंगे कि नहीं? पॉल, हम जल्दबाजी कर दिए इस ट्रिप के लिए। हे, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मम्मी, सोच रही आगे क्या होगा। ऐसी जगह तुमने ही ढूंढ निकाली, इसलिए थैंक्स बोलना होगा। तुमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका आज फायदा हो गया है, तुम्हें बहुत नॉलेज है इसकी। वैसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पिछली बार जब ज्वालामुखी फटा था तो ये बिल्डिंग बच गई थी। लगता है इस बार और खतरनाक होगा। क्या कहा? तुम्हारा मतलब है इससे भी खतरनाक हो सकता है? मिस्टर जेफ, आपकी बीवी और बच्ची वहाँ फंस गई है, हमें पता चला है। आप मेरे लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज कर सकते हैं या नहीं बोलिए। सुनिए कैप्टन, आपकी हेल्प करने के लिए मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। क्या मतलब इतना आसान नहीं है? आप जिद मत कीजिए, हमारी गवर्नमेंट ने हमें सख्ती से पेश आने के लिए ऑर्डर्स पास किए हैं। अब तक तो वहाँ के लोग पूरी जगह खाली कर चुके हैं, यहाँ से वहाँ जाना और आना पूरी तरह से बंद हो चुका है। एग्जैक्टली, मैं ब्लैक कॉप हूँ और इस सिचुएशन को आराम से संभाल सकता हूं। सर मेरी बात मानिए, अगर हमने कुछ किया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। मेरी बीवी और बेटी के सवाल है, मैं इतना समझा रहा हूं और आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। मेरी बात को समझिए, सिचुएशन वहां बहुत खराब है और इस मुसीबत को मैं आराम से संभाल सकता हूं। देखिए, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास उतनी पावर्स नहीं है। नेहा हवाई से मैं आपको ताज़ा खबरें दे रही हूँ, वहाँ ज्वालामुखी फट गया है जिससे एयर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया है। इसलिए सब लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि उस तरफ न जाएं और सब अपने अपने घर पे ही रहें। बेकार है, ये थी अब तक की खास खबरें। दावत दे रहे हैं, मैं इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। मतलब तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? नो, आप एक ही बात को दोबारा दोहरा रहे हैं। हम लोग भी यहाँ से खाली करके जा रहे हैं, अगर समझदार हो तो हमारे साथ निकल चलो, नहीं तो आप बचोगे नहीं। तुम अपने बैग में बहुत सारी चीजें लेके आए हो। हमारी पूरी जिंदगी इस बैग में है। हम लोग करीब 3 महीनों से यूरोप घूमते आ रहे हैं। नवीन को पूरी दुनिया घूमने का बहुत शौक है। ये तुम्हारी हॉबी नहीं है क्या? आप दोनों की शादी हो गई है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं और होगी भी नहीं। आपके फोन में सिग्नल आ रहे हैं क्या? कोशिश कर रही हूँ। इस तरह बैटरी खराब मत कीजिए, जब सिग्नल मिलेंगे तभी हम इसे यूज कर सकते हैं। क्या कर रहे हो? ये सब क्या कर रहे हो? सबकी फोटोएं क्यों निकाल रहे हो? मुझे माफ करना, मैं एक टूरिस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। पूरी दुनिया घूमकर टूरिस्ट लोग कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करते हैं उसका जायजा ले रहा हूँ। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ लेकिन बुरी तरह फंस गया। हे, तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? कैसी आवाज? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। लगता है बंद हो गई। मुझे नहीं लगता रुक जाएगा।
क्या हुआ दोस्त? लगता है मुझे अकेले के कुछ करना होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तुम बहुत तेज हो, कौन है वो लोग? आप जैसे अच्छे दोस्त हैं। हाय कार्लो। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा ये सब लोग मेरे साथ चलेंगे। मैंने इन सबसे पहले ही बात कर ली है। मुझे बहुत खुशी मिली तुम लोगों से मिलके। कैप्टन पियर्स, मैं मुसीबत में हूँ ये जान के आए अच्छा लगा। आप लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगेगा। तुम जाबाजी मेरी मदद करोगे, धन्यवाद। आप हमारे बॉस बने, बड़ी खुशी हुई। एक फैमिली को बचाने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपके साथ। तो हमें क्या करना है आप ही बताओ। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। आपके फैमिली के बारे में बताइए। वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, उन्हें बचाना है। ओके, और चलते हैं। तुम्हारी इस हेल्प को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं साथ में नहीं चल रहा हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ। तुम्हें मेरी एक और मदद करनी है। क्या करना है मुझे? तुम मिलिट्री कैंप से मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर सकते हो? लगता है तुम पागल हो गए हो। तुमने अब तक जो किया है उसी से मैं परेशान हूँ। आगे कुछ मत बोलो बस। ओके ओके, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। वापस आने के बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। मैं भी तुम्हारी राह देखूंगा। गुड लक। थैंक यू। तुम लोगों को भी गुड लक। सब लोग सही सलामत वापस आना। भगवान तुम्हारे साथ है। आप लोगों के पास औजार है ना? हमारे पास हर तरह के औजार है, आप फिक्र मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें किसी तरह चॉपर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ हेलीकॉप्टर का ही काम है, उसी से हमारी मदद हो सकती है। उसकी स्पीड ही नहीं, वहाँ रोड पर चलने के लिए हमें वाहन की जरूरत पड़ सकती है, उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वो जगह वार जोन जैसी होगी। तुम कहो तो मैं आर्मी वालों के साथ बात कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। कमऑन, पीछे लो, पीछे लो। इसका मतलब है किसी को बताए बिना हेलीकॉप्टर चुराना होगा? बिल्कुल। हम सिविलियंस लोग को कोई हेलीकॉप्टर नहीं देगा। एनी आइडियाज? या मैं समझ गया। या तुम जो प्लान कर रहे हो, जिसमें हिम्मत हो वो मेरे साथ आए। ज्वालामुखी फटने से इसके ऊपर भी पत्थर आके तो हम लोग बच नहीं पाएंगे। हम कहीं और जा सकते हैं क्या यहाँ से? तुमने बहुत कुछ पढ़ा है इस वॉल्केनो के बारे में बचपन से, हमें भी बताओ ना। हाँ, यहाँ कोई सुरक्षित जगह है बता सकती हो क्या हमें, जहाँ हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचे? एक मिनट रुको मम्मी। क्रिस्टी, तुम्हारे पास पॉम्पेई का मैप है ना? हाँ है, अभी देती हूँ। ओके, इसका मतलब क्या मतलब? हम लोग यहाँ पर है और यहाँ पर जाना है। वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें जल्दी निकलना होगा, और थोड़ी देर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली है? मैं बताऊंगी तो तुम लोग डर जाओगे। बताओ ना। ये जगह बहुत गर्म हो जाएगी। कितनी गर्म हो जाएगी बताओ ना हमें। बहुत ज्यादा गर्म। वो एक नाटा बेस से मैं समझती हूँ। इटालियन आर्मी हेलीकॉप्टर वहाँ मिलेंगे, वैसे वहाँ अंदर घुसने बहुत मुश्किल, लेकिन हम कुछ करेंगे। वैसे वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कम ऑन, परेशान क्यों करते हो? ओह कम ऑन, हमारे पास और कितना समय बाकी? कर्नल ने जैसे कहा था हमारे पास 3 घंटे का टाइम। रुको, मैं जरा देखता हूँ। लगता है उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं। कैप्टन एक मिनट रुकिए, आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? ये काम लेके हमने गलती की है। बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट रहा।
संभल के। अब यहाँ पत्थर तो नहीं गिरेंगे। ये तो अच्छा हुआ ना। इन पत्थरों से बच निकलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। हमें जल्दी निकलना होगा। और कितनी दूर है? बस नजदीक आ गए। इसकी सीलिंग बहुत स्ट्रांग है। आइए यहाँ सब लोग आ जाइए। कोई चांस नहीं है यहां से बच निकलने का। वो बगल में एक रास्ता और भी है। हम यहाँ सुरक्षित हैं, मुझे नहीं लगता। हमारे पास वक्त नहीं है। उसकी गर्माइश बढ़ती जाएगी तो हमारा बचना मुश्किल होगा। तुम जो कुछ भी कहोगे उसे मानना पड़ेगा क्या? उसकी बात मान लो, उसी में भलाई है। क्या कह रहे हो तुम? इसकी बात मानकर ही हम सब लोग उस गुफा में फंस गए थे ना। उन पत्थरों का गिरना बंद हो गया है। अब हमें बस की तरफ निकल जाना चाहिए। प्लीज हमारे साथ आइए ना। इनसे बात करना बेकार है, आओ चलें। चलो चलते हैं। देखो तुम लोग मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम भी आ सकते हो। मेरा मतलब एक तरह से वो भी सही है, ये जगह उतनी सेफ नहीं लगती है। तुम क्या कहती हो? या जैसा मैं समझ रही थी उससे बेहतर ये, पहले इन डोर्स को क्लोज कर देती हूँ। वो गर्म हवा अंदर ना आए इसलिए क्लोज करना होगा। मखेला, तुम जो कुछ भी कर रही हो सोच समझ के कर रही हो ना। 1902 में मार्टिनिक में एक ज्वालामुखी फटा था। उस हादसे में सिर्फ एक आदमी बचा था क्योंकि वो जेल कमरे में छुप गया था। बैग में जो भी कपड़े उसे बाहर निकालो। तुम्हें जो जरूरत नहीं है उसे भी निकालो। किसी के पास वाटर बॉटल है तो जल्दी दो, जल्दी करो। लाइए, जल्दी दीजिए। ओह थैंक्स। रुको एक मिनट, अभी हम ये पानी खराब कर देंगे तो जरूरत पड़े तो क्या करेंगे? सारे कपड़ों को भिगोकर उस डोर पर जो गैप है उसे बंद करना होगा। उस समय जेल में जो आदमी था उसने वैसे ही किया था। उसने पानी की जगह तो अपना पेशाब यूज किया। थैंक्स। कैप्टन अब क्या करें? अंदर घुसकर हेलीकॉप्टर निकालना बहुत मुश्किल है, कुछ न कुछ प्लान बनाना होगा। उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करें क्या? वही एक रास्ता बचा है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? जो हमें चाहिए वो वहीं पर है। उनमें से एक भी हमें मिल गया तो काम हो जाएगा। अगर वो हमारे हाथ लग गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम सीधी तरह मांगेंगे तो वो नहीं देंगे। हमें किसी भी तरह हासिल करना होगा। करेक्ट। पोम्पई में इस वक्त जो हालत है उसके हिसाब से हमें हेलीकॉप्टर में जाना ही सेफ होगा। कार में ट्रेवल करना बहुत मुश्किल होगा, रोड्स बहुत ही खराब। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, हमें किसी तरह वो हथियाना होगा। वो सब कैसे होगा? उस फेंसिंग को काट के अंदर घुसना होगा। तुम में से किसी एक को उनका ध्यान हटाना होगा, तब हमारा काम हो जाएगा। तुम में से ये काम कौन करेगा डिसाइड कर लो। मुझे लगता है कि मैं ही उसके काबिल हूँ। बिल्कुल सही कहा। कब निकलोगे तुम? हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी करना होगा। एक और बात, हम किसी भी हालत में उनके हाथ नहीं लगेंगे, इस बात का ध्यान रखना। उनकी बात मानी होती तो मारे जाते। उस छोटी बच्ची की बात सुनकर सब लोग वहीं पे मारे जाएंगे। अच्छा हुआ हम बाहर निकल आए। हाँ?
गरमाइश थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। मखेला, कहिए मॉम। मुझे आज तुम पे बहुत नाज हो रहा है मेरी बच्ची। मखेला, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मखेला, मखेला, मुझे आज तुम पे बहुत गर्व हो रहा है मेरी बच्ची। मॉम मत रोइए। I love you, Mikhaila. I'm very sorry, Rashida. तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अब तक मैंने तुमसे शादी नहीं की। बच निकले तो शादी कर लेंगे। I love you. Love you too. कामयाब हो गए, लगता है रुक गया। अब डर की कोई बात नहीं। मुझे तो ये सब एक सपना लग रहा है। ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मिकेला, अभी हम खतरे से बाहर है ना? हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। मेरा मतलब है अब तो सब ठीक है ना? Come on, कुछ तो बोलो। लेकिन उसके बाद बड़ी मुसीबत आएगी। एक दिन दिहाड़ी ये काम करना बहुत मुश्किल है। क्यों, अभी से डर लगने लगा है क्या? मैं डरता नहीं हूं यार। दोस्तों, अब हमें अपने काम करना होगा। चलो। कर साथी कहां गया? अभी तक आया नहीं। वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी वक्त वो आ सकता है। लगता है उसने काम शुरू कर दिया। हाँ, चलो चलते हैं। आओ चलें। स्टार्ट हो जा जल्दी। कैप्टन, कैप्टन जल्दी करो, इसको चोट लगी है, जल्दी टेक ऑफ करो। ठीक है स्टार्ट करता हूँ, फिक्र मत करो। सब संभल जाओ। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। <clears throat>
माय गॉड। मिखिला, वोल्केनो एक्सपर्ट, अब बताओ अगला नंबर किसका है? अब आगे किसकी मौत होने वाली है? इसके बाद सल्फ्यूरिक गैस के बारे में सोचना होगा, वो बहुत खतरनाक होती है। ज्वालामुखी के प्रभाव से आग के गोले और लावा हर तरफ फैल सकते हैं। कितनी ऊंचाई तक जाएगी वो? वो कैसे बताऊं, कम से कम 10 फीट ऊंचा उठेगा। हमें तुरंत निकलना होगा। हे, इसके बाद क्या हुआ कुछ बता सकती हूँ? मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती, बस यहाँ से निकल जाए तो हमारी मुसीबत आसान हो जाएगी। मिखेला, अगर तुमको इसके बारे में कुछ पता है तो बताओ, सब लोग बहुत परेशान हैं। देखिए मम्मी, माउंट फिसिलियस एक और बार फट गया तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि क्या होने वाला है। तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। कोई भी नहीं बच सकता है। कहाँ वो दिखाई नहीं देता? वो रहा, उसको अंदर ले लो, दरवाजा खोलो, जल्दी आओ, जल्दी, कम ऑन, आओ, और थोड़ा नीचे करो, कम ऑन, जंप करो। तुम ठीक हो ना? हाँ। चलो सब लोग संभल जाओ, निकलते हैं हम। ठीक तो हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। जंग में जाने से ज्यादा खतरनाक है ये, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैप्टन, इनके पैर से खून बहुत बह रहा है। तुम्हारी हालत कैसी है? अभी भी थोड़ा सा दर्द है। कुछ नहीं होगा, जब तक हम वहाँ पहुँच ना जाए तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूँ। अब क्या कर सकता हूँ, दर्द तो सहना ही पड़ेगा, ऐसे कामों में तो रिस्क लेना ही पड़ता है। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ, कितना भी दर्द हो तुम सहन कर लेते हो। चलो सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। केन, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। कम ऑन। यस कैप्टन, कम ऑन। एनीटाइम तुम केन का ख्याल रखो। ओके कैप्टन। गुड, अब मैं ठीक हूँ कैप्टन, हमें अपने मकसद के लिए आगे बढ़ना है। अयो यस, वो मैं संभाल लूंगा। वहाँ पहुँचने के लिए और कितनी देर लगेगी? हम लोग वहाँ 35 मिनट में पहुँच सकते हैं। ओके, यही स्पीड मेंटेन करनी होगी हमें। ये तो मुझे एक महल लग रहा है। वाओ, ये तो सुरक्षित जगह लग रही है, चलो जल्दी। यहाँ नेटवर्क मिल रहा है क्या? नहीं मामा। मामा वो सेटफोन कहाँ है? पता नहीं, वो कहीं गिर गया है शायद, जब मैं फिसल गई थी वो कहीं गिर गया होगा। शायद मेरे पास होगा। नहीं, मेरा फोन भी कहीं गिर गया। हाँ, कम से कम अब हम सुरक्षित जगह में तो पहुंच गए। तुम अब क्या सोचने लगे? आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, ये जगह तो सुरक्षित होगी ना? किसे पता, चल के देखते हैं। तुम ठीक हो? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं, ठीक हूँ। सच कह रहे हो? हाँ भाई। चलो। आ रहा हूँ। अब क्या हुआ? चलो, जल्दी करो, 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 जल्द
सॉरी। उस वक्त मुझे कुछ और नहीं सूझा, मुझे माफ करना। देखो कितनी तेज से लावा आ रहा है, इसको देखकर पता नहीं क्यों मुझे। तुमने इसके बारे में पहले हमें बताया तो था, लेकिन तुमने जितना कहा था उतना तो नहीं आ रहा इस वक्त। इसका मतलब ये उतना हानिकारक नहीं होगा ना। मैं कहला, तू जवाब क्यों नहीं दे रही है, बोलो ना। मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना हूँ, मेरी जितनी नॉलेज है उतनी बता सकती हूँ। नाराज मत हो, अगर तुम ना होती तो हम में से कोई नहीं बच सकता था, हम तुम्हारे कर्जदार हैं। चिंता बहुत हो रही थी इसलिए पूछ लिया, तुम फील मत करना प्लीज। अब से तुम जो कहोगी वही करेंगे, हम बिल्कुल बच के निकल जाएंगे। I'm sorry. बॉस, अब तुम ही बताओ हमें अब क्या करना है। क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिग्नल नहीं लग रहा। लगता कोई पीछा कर रहा है। सिक्योरिटी वाले हमारे पीछा कर रहे हैं। एक और नई प्रॉब्लम, उनको कैसे शक हुआ हम पर, उन्हीं के हेलीकॉप्टर पर तो जा रहे हैं हम लोग। हमारी स्पीड क्या है? मैं हेलीकॉप्टर की स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो अपने हिसाब से ही जा रहा है। मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसकी स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। मुझे लगता है इटालियन गवर्नमेंट का जो स्लो हेलीकॉप्टर है वो हमारे पास है कैप्टन। ये क्या कर रहे हो तुम, दरवाजा बंद करो। क्या हुआ इतना चिल्ला रहे हो, दो चार राउंड फायर करता तू अपना डर के भाग जाते ना। ग्रेनाइट लॉन्चर का इस्तेमाल मत करो, मासूम सोल्जरों को हम मार नहीं सकते। हेलीकॉप्टर 223, हमारी बात गौर से सुनिए। आपको वापस ले जाने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमें भेजा है। हमारी बात को इग्नोर मत कीजिए, अगर आप हमारे साथ वापस नहीं चले तो हमें शूट करने का ऑर्डर दिया गया है। मेरी बात सुन रहे हैं ना आप, अगर आपने लैंड नहीं किया तो हम शूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरी बात मानिए और तुरंत लौट चलिए हमारे साथ। जफ, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए समझा रहा हूँ। I'm sorry कर्नल, मैं वापस नहीं जा सकता। सर, मेरे ख्याल से हम इस वक्त फायरिंग डिस्टेंस में ही हैं। उनको वार्निंग देने के हिसाब से 4 बार फायर करो। हमें और कितनी देर लगेगी वहाँ पहुँचने में? अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 मिनट में हम वहाँ जरूर पहुँच सकते हैं, लेकिन कहीं फायरिंग ना शुरू कर दे। लगता है उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। हाँ, come on, fast. मैंने तुम्हें वार्निंग देने के लिए फायर करने को कहा था, तुम डायरेक्ट करने लगे। सॉरी सर। क्या करने वाले हो? इसके बाद ऐसी गलती नहीं होगी सर। तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सर, मैं दोबारा ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। ये सबकी बुरी आदत है, गलती करके फिर पछताना। अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। वो लोग हमें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम जरा तेज चलाओ। देखो दोस्तों, अच्छी तरह से रॉड को पकड़ लो। लेफ्ट साइड ले लो। सर, हम फिर से फायरिंग रेंज में हैं। वेट वेट वेट, जल्दबाजी मत करो। तुम जो फायरिंग कर रहे हो वो मिस हुई तो समझ लो नीचे रहने वाली आम जनता को बहुत नुकसान होगा। पहले से ही ज्वालामुखी के फटने से सब लोग परेशान हैं, इसीलिए तुम फायरिंग करना बंद कर दो, तुम और नजदीक जाओ। यस सर। अब क्या हो गया, लगता है इससे कोई प्रॉब्लम। नो, मैंने कहा था नजदीक जाओ, लेकिन इतने पास चले जाओ ये मैंने नहीं कहा था। ओके, अब उनसे मुकाबला करने का वक्त आ गया है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। वो अब किसी की बात नहीं सुनेगा। हाँ।
अब अगर उन्होंने लेफ्ट लिया तो उन्हें जाने देना, क्योंकि जनता वहाँ पर बहुत रहती है, और अगर राइट लिया तो तुम फायर करना। सर माइक्रोफोन ऑन में है। ओ ये बात है, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ ऐसा होता है सर। 2-3 हेलीकॉप्टर, ये फाइनल वार्निंग है हमारी, अगर नहीं माने तो हमें मजबूरन फायर करना पड़ेगा। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। 106 वो देखो सामने क्या है, तुम्हें नजर आ रहा है ना? मैंने कहा था ना वो एक कम्यूटर एयरक्राफ्ट है, आम जनता के ट्रेवल करने वाला एयरक्राफ्ट। हमें इस मिशन को कामयाब करना होगा। ओके सर, रिपोर्टिंग 106, हम वापस आ रहे हैं। ऑलराइट, अब हमें तैनात हो जाना चाहिए। तुम्हारा पैर दर्द कर रहा है? इतना भी नहीं। सिचुएशन को देखते हुए मुझे बगदाद की जंग याद आ गई। इस वक्त परिस्थिति बहुत खराब है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लगता है नर्क के द्वार खुल रहे हैं। और 15 मिनट में पोम्पई पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको ढूंढ निकालना ही प्रॉब्लम। हम लोग नीचे उतर कर उनका पता लगाएंगे। वो बहुत मुश्किल है, पोम्पई में उतर के ढूंढने के लिए समय नहीं मिलेगा। मैंने जाने से पहले अपनी बीवी और बेटी को सेटफोन देके ही भेजा था। तो फोन करके देखिए ना। मैं वही काम तो कर रहा हूँ, उन्हीं को ट्राई कर रहा हूँ। उस फोन में जीपीएस ट्रैकिंग भी मौजूद है और उसका आपस में इंटरलिंक भी है। वैसे वो उनके पास है कि भी नहीं पता नहीं। ओके, एक फोन तो लग गया, इसका फोन नंबर नोट कर लो। क्या हुआ मम्मी, बोलिए तो। नहीं कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। पता चल गया, वो पोम्पई के म्यूजियम में है। ओके ठीक है, हम सीधे म्यूजियम पहुंचते हैं और वहां उन्हें ढूंढते हैं। और कितनी देर लगेगी? सुनो, तुरंत हमें उस म्यूजियम तक पहुंचना होगा। ओके कैप्टन।
45 मिनट के अंदर हमें उन्हें ढूंढ निकालना होगा। फिक्र मत कीजिए कैप्टन, हम सबको ढूंढ निकालेंगे। क्रिस्टीन कहाँ है? आई आई, संभल के। मेरी मदद कीजिए। चलिए। इन्हें बाहर लेकर जाना है। क्रिस्टीन कहाँ है? मेरे पीछे आओ। जल्दी। इस तरफ। जल्दी आओ। जिसके पास सोचियो वो नैपकिन से जल्दी निकालो पानी भी। इनके छोटे छोटे टुकड़े करो। इस बेकिंग सोडा के कपड़े को अपने मुंह पर बांध लो और धीरे धीरे सांस लो। ये हवा में जो भी नाशक द्रव्य है उससे बचाएगी। अब घबराने की जरूरत नहीं। ये आवाज कैसी? हे, ये मेरा फोन है। ये आपका है? मैंने तो इसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझा था। इसमें GPS एक्टिवेट है, ये हमें बाहर निकलने में मदद करेगा। GPS सिग्नल कट हो गया। क्या कर रही हो तुम? अभी तक सिग्नल आ ही रहा था। आ रहा था सर, लेकिन अभी नेगेटिव दिखा रहा है। सिग्नल मिले या ना मिले, हमें अपने प्लान के मुताबिक उस मिशन तक जल्दी पहुंचना होगा। हे भगवान, ये सब कितना भयानक है। सब लोग अपना अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और होशियार हो जाइए। कम ऑन, जल्दी कराओ। कम ऑन। यहाँ हम सुरक्षित हैं। गैस अंदर ना आ जाए ये देखना होगा हमें। लगता है फिर से अर्थक्वेक आ गया। ये अर्थक्वेक नहीं है। तुम्हारे बैग में कोई डायनामाइट है क्या? एक छोटा सा पटाखा भी नहीं है। यहाँ से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अगर वो सैट फोन नीचे गिर के टूटने गया होता तो डैड हमारा पता लगा लेते। उन्होंने एक्टिवेट किया होगा, हमारा पता लगा लिया होगा। उन्हें सिग्नल मिल गया होगा, वरना वो साउंड नहीं आता। वो हमें जरूर ढूंढ निकाल लेंगे।
आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर आके हमें जो कोई भी बचाएगा वो एक सुपर हीरो ही होगा। कोई डाउट नहीं है, वो एक सुपर हीरो ही तो है। ए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि एक सुपर हीरो आके हमें बचाने वाला है। वो जरूर यहाँ पहुँचेंगे, मुझे विश्वास है। ये जगह बहुत डेंजरस है। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, जेफ हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। पता है तुम लोगों को ये सब क्यों बता रही हूँ? उनका काम ही यही है। बताओ और कितनी देर लगेगी? बस 90 सेकंड्स में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ऑलराइट, सब लोग तैयार हो जाओ। अगर वो यहाँ पहुँच भी जाते हैं तो हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट पहले ही ज्वालामुखी फटा था। पैराकैसिक गैस का फ्लो होने का ज्यादा चांसेस है। सबको विस्तार में बताओ। जब ज्वालामुखी फटता है तो पर्वत से नशीली गैस निकलनी शुरू होती है और वो गैस हवा में मिल जाती है और लोगों की जान को खतरा होता है। उसका मतलब है टाइडल वेव के जैसे खतरनाक। उससे हमें कितना नुकसान होगा? वैसे मैंने जो पढ़ा है वही बता रही हूँ। वो 450 मील तेज रफ्तार से दौड़ती है और उससे गर्मी 1000 मेगावाट बढ़ जाती है। आप लोग ही सोच कर देखो। तुम्हें कोई सिग्नल मिला क्या? हम लोग सीधा म्यूजियम पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें ढूंढते हैं। हमारे पास 30 मिनट बचे हैं, हमें वहाँ पहुँचना है, उन्हें ढूंढना है और वहाँ से निकलना है। तुम लोग समझ गए ना? ट्राई करते हैं। यस सर। गुड, वहाँ लाइटिंग बहुत कम होगी, फ्लैशलाइट अपने साथ रखो। हम कुछ ही देर में वहाँ लैंड होने वाले हैं। केन, हो सके तो म्यूजियम के टेरेस पे लैंड करने की कोशिश करो। सर, यहाँ लैंड करना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ विजिबिलिटी बहुत ही कम है। मैं यहाँ हेलीकॉप्टर लैंड करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चलो सब लोग जंप करते हैं, तैयार हो जाओ। एक 10 मिनट के अंदर उन लोगों को पूरे म्यूजियम में ढूंढना होगा। समझ गए तुम लोग? समझ गए सर। डैडी, इसमें कोई संदेह नहीं, वो पहुंच गए। Come on, guys. Guys, बहुत देर हो गई। हाँ, मैं तुमसे कह रही थी ना, देखो आ गए, वो हम सबको बचा लेंगे। इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ। पांच मिनट का समय मिल जाए तो बहुत है, सिर्फ 5 मिनट। तुम लोग उस तरफ जाके ढूंढो। पर कोई है क्या? ग्लेन, मिकेला, जेफ, तुम लोग यहाँ पर हो क्या? डैड, जेफ, डैड, अंदर कौन है? जवाब दो। हाँ, यहीं पर है। तुम लोग यहीं पर हो ना? जेफ, हम लोग यहीं हैं। सर, हम लोग यहाँ अंदर ही हैं। ठीक है, क्या हुआ? भूकंप की वजह से ये ब्लॉक हो गया है। ठीक है, तुम लोग फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। हम तुम लोगों को किसी तरह बचा के लेके जाएंगे। थैंक यू डैड। सब लोग कहाँ हो? जहाँ मैं हूँ वहाँ पर जल्दी पहुँचो, उनका पता चल गया है। बहुत देर हो गई, ज्यादा देर इस तरह से हेलीकॉप्टर को खड़ा नहीं कर सकता। ब्लास्ट होने के चांसेस है, उन्हें जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक है, वो लोग इस दरवाजे के पीछे हैं। हमारे पास जो औजार हैं उनके द्वारा इसे तोड़ कर हमें अंदर जाना है। हम बिल्कुल तैयार होकर आए हैं कैप्टन। 25 सेकंड फिक्स करो। वो इतनी देर तक नहीं आए, शायद वहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है। ऑलराइट, मेरी बात समझ रही हो ना? दरवाजे से बहुत दूर चली जाओ, सेफ जगह चली जाओ, समझ गए? हाँ, हम समझ गए डैड। ओके, गुड लक। हमने दरवाजे पे बम लगा दिया है, बम फटने से प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बहुत दूर चले जाओ तुम लोग। समय बहुत कम है, दूर जाओ। 25 सेकंड ही बचे हैं हमारे पास। ऑन करो, सब लोग चलो। हाँ, जल्दी चलो, भागो जल्दी। जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, जल्दी आ जाओ। तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? छोड़ो उसे, जल्दी आओ। किसको इस तरह? सब लोग नीचे छुप जाओ। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने।
जल्दी निकलना है यहाँ से, चलो आओ, आओ, सब लोग आओ, आओ मेरे पीछे, आ जाओ बस, जल्दी करो, लेट्स गो। बहुत परेशान कर दिया तुमने। आ रहा हूं, जल्दी आओ हमारे पास, जल्दी आओ। मैं इन्हीं का इंतजार कर रहा था, कम ऑन, स्टार्ट हो जाओ। तुम लोग जिंदा हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसका कारण अकेला ही है, इसने ही हम सबकी जान बचाई है। घबराओ मत। शिट, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, हरिकेन, कम ऑन। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, जल्दी, तुम फिक्र मत करो। अब क्या करें? किसी भी तरह निकलेंगे यहाँ से, आओ ढूंढते हैं। अब यहाँ से बच निकलना नामुमकिन लगता है। एक ही तो हेलीकॉप्टर बचा था, वो भी ब्लास्ट हो गया। सब छुप जाओ। हे भगवान, ज्वालामुखी फट गया है। कहा था ना, अब गैस बन रही है, और कोई रास्ता नहीं है, हमें सेफ्टी जगह में जाना होगा। इस म्यूजियम में कोई सुरक्षित जगह है क्या? यहाँ एक बेसमेंट है, वहाँ चल सकते हैं। चलो हम सब लोग वहीं चलते हैं, चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी, हाँ, चलो, चलो जल्दी करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हें क्या हो गया, इतनी उदास क्यों हो रही हो? आ जाओ, मैं हूं ना साथ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी आ जाओ, कम ऑन, और जल्दी, कम ऑन, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, जल्दी, चलो चलो जल्दी, कम ऑन जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, रुक चुके, आओ। किसी को कुछ हुआ तो नहीं? भगवान की दया से सब ठीक है। अब आगे हमें क्या करना होगा? यहाँ पे भी हम सुरक्षित है कि नहीं? मुझे तो लगता है यहाँ भी हम सुरक्षित नहीं। इस वक्त तो यही लगता है। सीलिंग पूरी तरह से पैक है, गैस के आने का चांस नहीं है। शायद रुक गया। केन जैसा वीर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं। इसकी भी फोटो निकाल रहे हो, शर्म नहीं आती? टेक इट इजी, टेंशन मत लो। सॉरी। इसके ऊपर बैठ जाओ, मैं देखता हूं तुम्हारे पैर को क्या हुआ। घबराओ मत, मुझे पैर दिखाओ, लगता है चोट बहुत गहरी है। बेल्ट इतना टाइट क्यों है? पैर उठाओ ऊपर, चलो। सो ज्वालामुखी के विशेषज्ञ आप, तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। मेरी भी समझ नहीं आ रहा है डैडी। इस गैस का प्रभाव और कितनी देर तक रहेगा? पता नहीं डैडी, मेरे हिसाब से कई दिन रह सकता है। कई दिन? इतने दिन लगेंगे? सांस फूल जाएगी और मर जाएंगे हम। यहाँ से निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा, पता करो जल्दी तुम लोग। उसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढता हूं मैं। वो देखो ज्वालामुखी का लावा आ रहा है। चलो सब लोग सीढ़ियों के पास चलो।
पकड़ो कौन वेट क्या कर रहे हो यहाँ मत रुको जल्दी चलो जल्दी चलो लिए। तुम्हें तकलीफ दी यहाँ आने के लिए तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है ओके okay? तुम बहुत दिलेर लड़की हो थैंक यू मैंने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है ये तो अजीब सी आवाज है अरे वहां देखो आओ चलते हैं आओ जल्दी 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 सब लोग जल्दी चढ़ो चलो जल्दी कर्नल तुम आओगे मुझे पूरा भरोसा था दोस्ती कब काम आएगी सब लोग जल्दी चलो बिना बताए आ गया हूँ पता नहीं क्या एक्शन लेंगे चलो वेरी गुड कर्नल तुम चलो सब लोग बेल्ट बांध के बैठ जाओ और सावधानी बरतो तुमने हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया है बहुत धन्यवाद 25 साल पहले मैं भी एक मुसीबत में फंसा था तब मेरे एक करीबी दोस्त ने मेरी मदद की थी दोस्ती का हक तो अदा करना होगा ना इसका मतलब अपनी जान हथेली में लेके घूमते हो ना अरे तुम मेरे दोस्त हो मैं दोस्ती की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त ऐसा लगता है तुम्हारी टीम के सभी साथी नहीं पहुँचे मेरे 2-3 साथी भी मारे गए सारी दोस्त लेकिन सबको बचाना हमारा पहला मकसद है तुम उसकी फिक्र मत करो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है फंस गया लगता है कुछ एयर फिल्टर में फंस गया है उसको पार कर लो बहुत है यस यस मैं उसे पार कर दूंगा करल तुम ठीक हो तुम संभालो कुछ ना कुछ करो मैं उसी को ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा टाइम लगेगा मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है सब पकड़ के बैठ जाओ संभल के किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना नहीं डैडी कर्नल कैप्टन तुम ठीक हो ना कैप्टन मैं एक जिम्मेदार कर्नल हूं यार ऐसे वक्त में भी मुझसे मजाक करते हो एक काक के गोले ने मुझे नुकसान पहुंचाया है ए हरिकेन मेरे पास आओ पहले फर्स्ट एड लेके आओ कर्नल की पट्टी जो करनी है यस कैप्टन साथ में मेरे लिए एक बियर की बोतल भी लाओ
इस वक्त भी तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने में लगे हो। जब हेलीकॉप्टर को ज्यादा मत हिलाओ, मुझे परेशानी हो रही मेरे है। मेरे को इस तरह चलाना आता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम निकल जाओ। ये कोई जोक करने का समय है? मेरे दर्द को जाने बगैर जोक पर जोक करते जा रहे हो? अरे जरूर कोई पिछले जन्म में पाप किए होंगे तभी तुम्हारे जैसा दोस्त मिला मुझे। अब मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दो मुझे अकेला। ऊपर वाले की मेहरबानी से जो बन सका वो मैंने किया। जेफ, डैडी, मैं जिंदगी में कभी इटली नहीं आऊंगी। ठीक है, मत आना। अभी अभी खबर आई है कि ज्वालामुखी का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भूकंप के झटके भी कम हो गए हैं और पहले की तरह पोम्पाई का वातावरण साफ हो गया है।